जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, शाम के 7 बज रहे हैं और यहाँ पर ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो आज बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं? पानी पूरी। तो बच्चे भी पानी पूरी का आनंद ले रहे हैं और आज ना ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम से, क्योंकि हमारी बहनें आप लोग ना सुबह के हमारे ब्लॉग देख देख करके ना परेशान हो गए होंगे कि दीदी के हमेशा सुबह के ही ब्लॉग रहते हैं, इसीलिए हमने सोचा कि शाम से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत कर देते हैं। और रात का डिनर भी तैयार है हमारा, लेकिन अब बच्चे कहाँ खाने वाले हैं, तो आगे हमने रात में कोई वीडियो नहीं शूट किया। अब आप लोगों से ना सुबह मिल मत गाइस, झाड़ू लगा करके हम आ गए हैं। गेट के बाहर की साफ़ सफाई अच्छे से हो गई। अब बच्चों को जगाते हैं, लोगों को देते हैं गर्म पानी। हमारे पति देव भी जग गए हैं, यानी अब क्यों जल्दी बोलते नहीं, सुबह से ना बिल्कुल मौन रहते हैं। अच्छा मनु जग गए, पापा क्या है, गूंगे बिल्कुल नहीं बोलते बच्चे भी बीच बीच में मजा लेते रहते। उठिए बेटा, गर्म पानी हो गया। हमको अपनी फ्रिज की सफाई करना है, ठंडियों में ना इतना बर्फ जम गया है कि बर्फ देख करके ना तो हालत खराब हो गई। ये देखिए, रात में बंद कर दिए थे फिर भी कितना बर्फ है, अभी पूरा हर जगह ना पानी पानी हो गया है। देखिए सुबह के ना आज हमारे अभी काम पड़े हुए हैं झाड़ू पोछा वाले, तो जल्दी कर लेते हैं। हम लग जाते हैं अपने कामों में और पतिदेव भी नहा करके जा रहे हैं सुंदर कांड का पाठ करने, क्योंकि आज दिन है मंगलवार। और हम बोल रहे हैं कि ठंडे ठंडे हाथ ना आपके सर में छुआ दें क्या, तो करे नहीं, हमारे सर में मत छुआना। और ठंडियों में ना अगर कोई बैठा हो और अपने हाथ ठंडे हो ना, तो अगर उसके चेहरे पर हाथ रखो, सर पे रखो ना, तो एकदम से कपकपी सी आ जाती है। तो ये देखिए फ्रिज का हमारे हाल, कितना बर्फ़ हो रहा है। तो पहले पूरा बर्फ़ निकालते हैं और अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। ये बहुत ही पुरानी फ्रिज हो गई है, अब हम सोच रहे हैं ना नई फ्रिज लाते हैं, लेकिन देखो कब लाते हैं, जब ये ख़राब हो जाएगी तभी लाएंगे। और सो गाइस, इन्होंने भी सुंदरकांड का पाठ कर लिया और हमने चाय भी बना करके इनको दे दिया। और आज हम देसी नाश्ता बनाने वाले हैं। नाश्ते में आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो रात में ही हमने भिगो दिया था काले चने, हमारे चने ना फूल भी गए थे और इनको हमने बॉयल भी कर लिया है। और आज हम देसी चना कैसे तल रहे हैं, लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया था, हमने अजवाइन डाल दिया, हरी मिर्च डाल दिया है, आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं। और ये वाली चने की रेसिपी कई बार आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, क्योंकि ये चने वाली चीज़ें ना हमको बहुत पसंद हैं। तो अच्छे से हमारा तड़का हो गया था, इसमें ना एक चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं और चना आलू हमने सब डाल दिया। इसके बाद नमक भी डाल देते हैं, और ठंडियों में ना तो हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है। दाल में है कोई भी रेसिपी उस तरह की बनाइए तो उसमें हल्दी ज़रूर डालिए। अच्छे से इसको भून लेते हैं। भूनने में ना हमको 10 मिनट तक इसमें टाइम देना पड़ता है, क्योंकि अच्छे से भूनने के बाद ना तभी इसमें सौंधापन आएगा। और पहले ना बच्चों के लिए निकाल देते हैं, इसमें ना पहले हम हरी धनिया नहीं डालते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ना हरी धनिया तो बिल्कुल नहीं पसंद है। आप लोग कई ब्लॉग में हमारे देखे होंगे कि जब भी कोई हम ऐसी रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हरी चीज़ें नहीं डालते हैं, और जब हम अपने लिए सबके लिए निकाल लेते हैं इसके बाद ही हरी धनिया हमने काट करके रखा है, थोड़ी सी ना ऊपर से डाल देते हैं। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, गर्म गर्म अदरक की चाय भी रेडी है और चना भी रेडी है। कई हमारी सब्सक्राइबर हैं जो कहेंगी कि दीदी आपके यहाँ आना चाहते हैं, कैसे आएँ, तो आप लोग ज़रूर आइए, हमारे यहाँ आपका स्वागत है। और आज तो धूप उतनी अच्छी नहीं है, अभी टाइम ना 10:30 से बज रहे हैं, लेकिन फिर भी डेली के जो अपने कपड़े हैं वो तो धुलना ही पड़ता है। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि मंगल वाले दिन हमने अपने केसों को भी धुल लिया है, तो केस हमने धुला नहीं है, थोड़ी से ना अच्छे से कंघी है कर लिया है, क्योंकि वैसे भी ना ठंडियों में तो बालों की हालत तो बहुत ही ख़राब चल रही है, और ठंडियों में ऐसे गुंजट जाते हैं कि बाल कि पूछिए नहीं। इस समय ना बाल भी हमारे काफ़ी झड़ रहे हैं, और कितने सुंदर सुंदर फूल निकले हुए हैं, गुलाब के। और ठंडियों में ना बाल इतने झड़ते हैं, इतने पतले बाल हो गए। देखिए गर्मी में ना थोड़ी से बाल सही हो जाते हैं, ठंडियों में ना थोड़ा सा ढक करके भी रखो और स्टॉल भी डाल करके रखो, नहीं कानों से हवा जाएगी तो कानों में दर्द भी शुरू हो जाएगा। रजाई है सर ढक करके सो, इसी कारण से ना बाल अपने ना इतने ख़राब बेजान से हो जाते, एकदम से हल्के फुल्के जैसे नज़र आ रहे हैं। सोच रहे हैं ड्रम से निकाल लेते हैं गेहूँ, तो डाल देते हैं धूप में और शाम तक गेहूँ को छान लेंगे। क्लेचर हमने कहाँ लगा रखा है, दोपहर में बच्चों को कहना है कि माँ तहरी बना लो,
तो आज हम सोच रहे हैं ना, तहरी हम बनाएंगे, कढ़ैया में ही बनाएंगे तहरी। आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे कि लोहे की कढ़ाई में हम कैसे बना रहे हैं तहरी। हम सब्जी है, कढ़ी है, चने भी फ्राई कर सकते हैं लोहे की कढ़ाई में, तो तहरी भी बना सकते हैं। तो जल्दी पहले अपने छत वाले काम कर लेते हैं। पहले हम लगाते हैं छत में झाड़ू। वैसे ना हफ्ते में एक ही दिन यहाँ झाड़ू लगता है, लेकिन अगर हमको गेहूँ डालना है तो झाड़ू लगा करके हम गेहूँ डालेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पर बालू भी दिख रही है और आज का मौसम तो बिल्कुल ठीक नहीं। थोड़ी धूप दिखती है और चारों तरफ ना आसमान में बादल दिख रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि गेहूँ डाल ही देते हैं, क्योंकि हवा भी चल रही है, थोड़ी थोड़ी धूप भी है, क्योंकि गेहूँ पिसाने से पहले ना धूप ज़रूर दिखाना चाहिए। अभी तो थोड़ी ही जगह में गेहूं डाले हैं, लेकिन दोपहर में ना चिड़िया आकर के ना चू 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 ना पूरे छत में गेहूं कर देंगी। शाम को ना एक एक गेहूं हमको इधर से उधर करना पड़ेगा, यानी झाड़ू लगा करके ना इकट्ठे करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने फिर से किचन में। हम आ गए हैं बीच के बालकनी में, तो यहाँ भी कितने सुंदर सुंदर ये नीलम के फूल निकले हुए हैं और बच्चे भी आराम से धूप में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे नंदोई जी भी आए हुए हैं, तो आपस में हम दोनों की बातें भी चलती जा रही हैं। और वही हमारे नंदोई जी बोल रहे हैं कि चलिए भाभी रजनीखंड वाले मकान में चलते हैं, वहाँ घूम करके आते हैं। तो हम जल्दी यहाँ के भी झाड़ू पोछा वाले काम कर लेते हैं, इसके बाद लाते हैं अमरूद। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, अपने नंदोई जी को भी अमरूद खिलाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। आप लोग भी आ जाइए, धूप में कच्चे कच्चे अमरूदों का मजा लेते हैं। गाइस ये कच्चे वाले अमरूद ना हमको बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी हमारे बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमारी बहनें। ठंडियों में ना अमरूद बहुत ही फायदेमंद है सेहत के लिए, कितनी भी पेट की प्रॉब्लम हो दूर हो जाती है। आ जाइए काले और भी ना काले नमक के साथ आ जाओ। इसी से अटैच रूम है, अंदर से देखें कि नहीं रूम? नहीं, अंदर से खुला नहीं। अरे वाह। सो गाइस हमारे जीजा जी को हम लोगों का ना यहाँ का बाथरूम बहुत पसंद है। शुरू में तो आए थे जीजा जी हमारे यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन मतलब इतना आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मुझे लगता है रेंट वाले ना रहे हो जब आप आए रहे हो, हो सकता है। हाँ तो रेंट वाले थे। हाँ हाँ वो कितना पानी गिरा है, हर जगह जीने में पानी पानी है। अकेले लगे हुए हैं, हमको लगता है ऑफिस से कोई नहीं आया इनके लिए। सही बात है, ये बात तो सही कह। हाँ उधर से खोलिए, ताला खोले कि नहीं खोले? ये ऊपर ही घूम लीजिए पहले, ऊपर शायद उन्होंने खोल के रखा होगा। आज आपके ऑफिस वाले नहीं आ रहे क्या? पूरा पेंट खराब हो जाएगा ना, हर जगह पानी पानी डाले हैं। और क्या, वो पेंटर भैया ने कहा था कि हर जगह इस तरह पानी मत डालिएगा, ठंडी में परेशान ना होइए, नहीं हो जाएगी सर्दी। वाह यहाँ तो आपने चमाचम कर दिया। वाह आज किचन में बिल्कुल क्लीन कर दिए, चमाचम। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए आपने मकान की तारीफ की, हमको बड़ी खुशी हुई। काफ़ी लोग तो कहते अरे आपने बाथरूम बहुत बड़ा करा दिया, आपने ये हॉल बहुत ऐसा वैसा करा दिया, मतलब अपने अपने नुक्स हैं, लेकिन हमी की कोठी बहुत ही अच्छी है। हाँ कई बाथरूम है। हाँ जी जी इधर ये वाला। हाँ कुछ समय पहले नहीं, ये स्टोर और ये हॉल अभी कंप्लीट हुआ है। कुछ महीने पहले जो काम लगा हुआ था तो ये छत है पड़ी हुई थी, नहीं इतन कहलाया था। हम ही अपना दिमाग लगाया, हमने कहा नीचे तो आपने दो रूम दिया है, लेकिन ये बड़ा सा हॉल करवा दीजिए, सब आगे चल के ना बहुत सही रहेगा बच्चों के लिए। ये थोड़ा सा चेंजिंग हो गए, दरवाज़ा विंडो सब थोड़ा सा अलग करवा दिए हैं यहाँ पर। हाँ हाँ लाइए हम पोछा लगाते। 3 बज गए और आज ना तो हमारी हालत खराब हो गई, हाथ ना एकदम से रेड रेड हो गए। अब अंदर का हाल रहने दीजिए यार, कल धुल लेंगे। अच्छा नहीं लगता है ना कि आपको छोड़ करके चली जाऊं। ये धुलते गए और हम पोछा लगाते गए, फाइनल क्या, डेली तो गंदा होता है। अब हम सोच रहे ना एक
एक दो दिन बाद ना आकर के यहाँ पर झाड़ू लगा दिया करेंगे तो इतनी धूल नहीं आया करेगी। बच्चे भी हमने सोचा था आज कढ़ाइया वाली तहरी बनाएंगे तो मीना ने बच्चों को खाना बना करके खिला दी होंगे, ला रहे वाइपर वगैरह, हिम्मत है इतना जाए नहीं तो बड़बड़ करने लगेंगे। इतनी ठंडी है फिर भी हमारे पतिदेव मान नहीं रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि यार हमेशा हम यहाँ पर आते हैं और झाड़ू लगाते हैं, मत पानी इतना हर जगह करिए, लेकिन फिर भी चारों तरफ ना मकान में इन्होंने पानी पानी कर दिया है तो वाइपर चला चला करके ना हमारे हाथ हाथ दुखने लगे हैं। और अब ना हम यहाँ से खिसकने वाले, यहीं पास में हमारी बहन रहती हैं तो वहीं जा रहे हैं, भिक्षा भी मांग लेंगे थोड़ी समय के लिए बैठ। तो गाइस आप लोग भी आइए, हमारी बहन भी कुकिंग का अपना वीडियो डालती हैं और यहीं अपने रजनीखंड में जो मकान है बिल्कुल पास में हम बहनों का मकान है। और बहुत मतलब कौन सा कुकिंग, अरे क्या शिवानी चैनल का नाम है शिवानी लाइफ विद किचन। आप लोग जाइए हमारे चैनल पर और विजिट करिए और देखिए हमारे वीडियो को, आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो ना जो हम है ना आपकी दीदी बुआ कुकिंग का काम बहुत कम कर पाते, इसीलिए हमारी बहन से आप जुड़िए और इनके भी सब्सक्राइबर बढ़िए। जैसे आप हमको प्यार देते हो वैसे हमारी बहन को भी दीजिए प्लीज़ हमारे कहने से, ठीक है ओके। अब आप भी आइए चाय पीजिए हमारे साथ, लिंक आपको इस वीडियो में जो है शोभा जी के ब्लॉग में मिल जाएगा, शेयर कर देंगे आपको। चलिए मोबाइल को रिसीव करके और आपको बढ़िया डाली भी है ना। अच्छा अच्छा सब मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इसमें हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ऐसे लोगों से मिल करके बड़ी खुशी होती है। यहाँ से हम जा रहे हैं और बहन से मिल करके ना इतनी खुशी हुई और जा रहे हैं मकान में, देखते हैं कि हमारे पति देव भी क्या कर रहे हैं। और बच्चों के ना फ़ोन आ रहे हैं, करें माँ मार्केट से ना हमारे लिए स्लीपर ले आना। तो जब भी हम बाहर निकलते हैं ना तो बच्चों की फरमाइशें ऐसे ही रहती हैं, बोलेंगे कुछ ना कुछ ले करके आना, कभी खाने की चीज़ें ले करके आना, कभी कुछ ले करके आना। तो आप लोगों के बच्चे ऐसे ही करते होंगे। और ये बहन से मिल करके ना इतना अच्छा लगा, एकदम से ना एक मकान छोड़ करके यानी तीसरा मकान इनका है और वही हमको बाहर तक भेजने भी आई। सो गाइज हम आ गए हैं मार्केट और यहाँ से ले लेते हैं स्लीपर बच्चों के लिए, इसके बाद ही हम निकल रहे हैं यहाँ से। और हमारी बहनें कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया कि दीदी किचन में ऐसे करके थूकना नहीं चाहिए, अपने पति देव को हम ज़रूर बताएंगे। और घर भी आ गए स्लीपर ले करके, बच्चे स्लीपर पा करके बहुत ही खुश हुए। आज का ब्लॉग कैसा लगा हमारी बहनें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दीदी को ऐसे ही प्यार दीजिए, आप लोगों की प्यार की साथ की बहुत ज़रूर